हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज ये हम एमसीक्यूज ऑन जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पे अपलोड कर लिए हैं, तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले 4 पार्ट्स देख लें, उसके बाद ये 5th पार्ट भी देख लें। तो एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि इससे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम 600 एमसीक्यूज बनाएंगे जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसमें कि जनरल नॉलेज भी होगा और करंट अफेयर्स भी होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि बहुत अच्छा ये काम हो रहा है, जनरल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इन एमसीक्यू से। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये एमसीक्यूज ही बनाएं, इससे काफ़ी बेनिफिट होगा हमें एग्ज़ाम्स में। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि अब मैं जनरल नॉलेज के ऊपर मिनिमम 800 एमसीक्यूज बनाऊंगा और जो करंट अफेयर्स पे डेली बेस पे मैं बनाता हूँ वो इससे अलहदा से रहेंगे। यानी मैंने अप्रैल के जो एमसीक्यूज हैं ऑन करंट अफेयर्स वो 100 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। मई के भी 100 एमसीक्यूज मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, और उसके अलावा मंथली बेस पे मिनिमम 100 वो भी अपलोड होते रहेंगे। और एग्ज़ाम्स तक कम से कम 800 तो ये हो जाएंगे जनरल नॉलेज के ऊपर, और मिनिमम 500 to 600 जो है करंट अफेयर्स के ऊपर भी एमसीक्यूज हो जाएंगे, और टोटल ये 1300 to 1400 एमसीक्यूज हो जाएंगे ऑन द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत, जो कि जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। उसके अलावा कंप्यूटर के ऊपर भी मैं एमसीक्यूज बना रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं मिनिमम 1200 एमसीक्यूज बनाऊंगा। 400 के करीब एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देखते रहें। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली बेस पे जो हम ये करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ होती हैं जिनमें हम करंट अफेयर्स भी और इनसे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो होते हैं वो भी हम अपलोड करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं वो भी आप डेली बेस पे आप देखा करें, काफ़ी बेनिफिट होगा उसमें आपको। अब हम शुरू करते हैं ये 5th पार्ट इसका, सो लेट्स बिगिन विद दिस 5th पार्ट। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक ग्रुप ऑफ पीपल मे अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्संस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द वेबनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। It is an emergency and its effects on fundamental rights. Who among the following had favored panchayat raj system by giving the following statements in the Indian Constituent Assembly? In the interest of democracy, the villages may be trained in the art of self-government. We must be able to reform the villages and introduce democratic principles of the government there. तो ये कहा था ए अयंगर ने, ये इनकी statement है। Who of the following constituted an oligarchy within the Constituent Assembly of India? Nehru, Patel, Prasad and Azad. तो इनसे related जो भी facts हैं ये इसमें मैंने मज़ीद इसमें दिया हुआ है, आपने अगर पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इसकी हिंदी उर्दू में भी ट्रांसलेशन करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बनती हैं, और वैसे मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की है, ताकि आम जो जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक भी हो वो भी इस लैंग्वेज को समझ सके। इसलिए इसमें ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ईजी लैंग्वेज है, आप पढ़ते रहें। बस एक चीज़ है कि कम से कम ये जो वीडियोज़ हैं इनको दो दो तीन तीन बार आप कम से कम रिवाइज़ करें, ताकि ये तमाम फैक्ट्स आपको याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन विच लैंग्वेज। इट वाज़ ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन विच लैंग्वेज स्क्रिप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज़ साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 January 1950। इट वाज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश, इन बोथ लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ मेम्बर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज 7, और ये 7 लोगों के नाम इसमें दिए हुए, ये आप पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। हु वॉज द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ही वॉज B.N. Rao। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। प्रेजिडेंट।
The right of constitutional remedies in India is available to whom of the following? Any person for enforcing any other fundamental rights conferred on all persons. C part. Next question. Who decides the reasonableness of the restrictions placed on fundamental rights in India? Courts. Which among the following fundamental rights was taken away by the 44th Amendment of Indian Constitution? A. Right to property. Second part. B part. Who made the following statements in the Constituent Assembly in connection with amendment procedures of the Constitution of India? That while we want this constitution to be sold and as a permanent, as a structure, we can make it. Nevertheless, there is no permanence in the constitution. If you make anything rigid and permanent, you stop the nation's growth, the growth of living, vital, organic people. तो ये थे वर्ड्स जवाहरलाल नेहरू के, इन्हें ये स्टेटमेंट दी थी. Which are the following committees of Constituent Assembly was chaired by जवाहरलाल नेहरू? Union Powers Committee. Next, who among the following was not a member of Indian Constituent Assembly? Jay Prakash Narayan. ये इस Constituent Assembly के member नहीं थे, बाकी तीनों इसके member थे. आप पढ़ लें, note कर लें. Which one of the following government documents first suggested for having elections of Panchayat Raj institution on political party basis? Ashok Mehta committee report. Savanna natural region is characterized by which one of the following? Uniformly high temperature throughout the year. ये कुछ questions geography से related आगे हैं, बहुत कम है ये. Which of the region has been called the paradise of Indies? Kashmir Valley. Which of the lakes is largest of the high altitudes? In the largest of the high altitude lakes in Trans-Himalayan region, entirely within India, Somorori Lake. The drafting committee member of the Constituent Assembly said that governor nominated by the president will be the agent of central government. Identify. ये किसने कहा था? तो ये थे वर्ड टी कृष्णमाचार्य ने के. He was the member of drafting committee, an entrepreneur and a Congress leader. Which Congress president during British Raj initiated the idea of planning commission? Subhash Chandra Bose. Which one of the following acts reports created the federal court in India? Government of India Act 1935. The Constituent Assembly was set up under Cabinet Mission Plan. Who said the following? India's constitution was born more in fear and trepidation than in hope and inspiration. Paul Brass. Who of the following constituted an oligarchy in the Constituent Assembly of India? Nehru, Patel, Prasad and Azad. The Constitution of India was drafted and enacted in which language? It was enacted in English language. Ye ek do question repeat ho gaye hain yahan. In which language script Constitution of India was signed by the member of Constituent Assembly on 21st January 1950? Both English and Hindi. So C is the correct option. Who was the first elected chairman of the Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad. The Indian Constituent Assembly after the partition had the following numbers: 299. Elections of the Constituent Assembly was held in the year. It was held in the year 1946. The objective resolution was moved in the Constituent Assembly on December 13, 1946, and it was moved by Pandit Jawaharlal Nehru, moved the objective resolution. Who among the following was the chairman of the state committee of the Constituent Assembly? Jawaharlal Nehru. Who was the de facto prime minister at the time of evolution of the Indian Constituent Assembly? Jawaharlal Nehru. Who boycotted the Indian Constituent Assembly? Muslim League. In the Constituent Assembly, which parties were members? All the above. तो ये तमाम parties आपने पढ़नी है, लिख के note करनी है. ये तमाम Constituent Assembly की members थी. How many articles and schedules were in the first draft constitution presented by the drafting committee to the Constituent Assembly? 315 articles and 8 schedules. In the final form of the constitution adopted by the Constituent Assembly, how many articles and schedules were there?
395 articles and 8 schedules. On which date the objective resolution was moved in the Constituent Assembly? It was moved on December 13, 1946. The idea of rule of law has been taken by the Indian Constitution from Britain. Constitution of India was adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949. How many readings were held on the Constitution in the Constituent Assembly? 3 readings. How many princely states existed at the time when the Constituent Assembly was making the Constitution? 600 princely states existed at that time. Whom the Indian Constituent Assembly represented? Fully representative of the states and provinces in India. Who supported the views of the Constituent Assembly for making the Indian Constitution? Gandhiji. Next, Gandhiji wrote which article in the Harijan of 19th November 1939 to support the formation of Constituent Assembly for making the Constitution of India, the only way. When did the Constituent Assembly adopt a national flag? 22nd July 1947. What was the last session of the Constituent Assembly, 12th session? When was the last 12th session of the Constituent Assembly held? It was held on 24 January 1950. स्टूडेंट्स इन वीडियोस को दो दो तीन तीन बार जब तक आप रिपीट नहीं करोगे तब तक ये आपको याद नहीं रहेंगे. आप इन तमाम वीडियोस को दो दो तीन तीन बार रिपीट करें उसके बाद आपको तमाम भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद रहेंगे. विच सॉन्ग वाज संग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर इट्स एडजॉर्नमेंट साइंड आई? तो जनगणमन एंड वंदे मातरम ये दोनों गाए गए थे. हाउ फॉर हाउ मेनी ईयर्स मंथ्स एंड डेज डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 2 years, 11 months and 18 days. ये 18 days है. Next question. Constitution of India came into effect from 26 January 1950. After the independence, who decided to determine the future of Constitution of India? Constituent Assembly. Through which offer the British government authoritatively supported a Constituent Assembly for making the Indian Constitution? August offer. How much time it took for the Constituent Assembly to finalize the Constitution? 2 years, 11 months and 18 days. Who was the chairman of drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. He was the chairman of drafting committee. The Indian Constitution consisted of 395 articles. Indian Constitution has 395 articles, 22 parts and 8 schedules at the time of its commencement. ये आपको याद रखना है. The Constitution has a preamble, 470 articles which are grouped into 25 parts with 12 schedules and 5 appendices. It has been amended 104 times. The latest amendment became effective on 14th January 2019. तो ये आपको याद रखना है, करंट भी याद रखना है और एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ये तमाम आर्टिकल्स भी आपको याद रखने की उस टाइम कितने बनाए गए थे. नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेशंस वर हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 12 सेशंस. बी पार्ट, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 292. इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वॉज द हेड ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? जवाहरलाल नेहरू. इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वर्ड्स वर एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन. विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी? अब इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड यानी इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन चलेंगे. एग्रीकल्चर सेक्टर. डी पार्ट, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर in India was reported 43.21% in 2019. यानी जो employment है वो agriculture sector में 43.21% इस वक्त जो total employment का है वो agriculture sector में है. इस वक्त यानी जो total employment है इंडिया के अंदर उसका 43.21% जो agriculture से related है. लेकिन अगर GDP में इसके share की बात की जाए it is only 15.87%. यानी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में इसका जो जीडीपी में शेयर है वो 15% लगभग 16% है और एम्प्लॉयमेंट यहाँ
43% लोग इससे जुड़े हुए हैं। विच सेक्टर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर इज द पिलर ऑफ द इंडियन इकॉनमी बिकॉज ऑफ इट्स हाई शेयर इन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड क्रिएशंस। ये जो नीचे मैं फैक्ट्स नोट लिखता हूँ इनको भी आपने नोट करना, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो नीचे से फैक्ट्स हैं इनमें से एटलीस्ट कम से कम 20-30 क्वेश्चंस और निकल के आएंगे, लेकिन इनको मैंने एज ए फैक्ट ही यहाँ लिखा है, एज ए क्वेश्चन यहाँ नहीं बनाया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल? इसमें से सीरियल कौन नहीं है? तो इसका जो है सी पार्ट है ग्राम, इट इज़ नॉट अ सीरियल। फूड ग्रेन कंसिस्ट ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज। फूड ग्रेन्स में सीरियल्स आते हैं और पल्सेज आती हैं, तो जो सीरियल्स हैं इनमें आते हैं राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज एटसेट्रा, ये दे आर इंक्लूडेड अमंग द सीरियल्स, ये आपको याद रखनी। वेयर इज ग्राम, मोंग, मसूर, अरहर एटसेट्रा दे आर इंक्लूडेड इन द पल्सेज। तो ये आपको, ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने। हु अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? प्रणब मुखर्जी, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर द बीपीएल फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंटाइटल्ड बाई लॉ टू 25 kg ऑफ वीट एंड राइस पर मंथ एट ₹3 per kg। वैन वॉज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड? इट वॉज लॉन्च्ड इन द एंड ऑफ 11th फाइव ईयर प्लान। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है लॉन्च्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बाई द एंड ऑफ 11th फाइव ईयर प्लान, और ये कब चला था? 2007-8 से 2011-12 तक। नेक्स्ट, विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी? एग्रीकल्चर सेक्टर। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द फार्मर्स? इनमें से कौन सी फार्मर्स रिलेटेड वेलफेयर स्कीम नहीं है? एम्प्लॉयमेंट रेफरल स्कीम, ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। और ये क्या है एम्प्लॉयमेंट रेफरल स्कीम? ये क्या है? टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू रेफर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए इनक्रेज करना इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज, इसी को हम रेफरल स्कीम कहते हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द सेवरल कंपनीज। तो ये जितनी भी बाकी हैं दे बिलोंग टू द वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर्स, लेकिन ये डी पार्ट ये नहीं है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल? ये रिपीट हुए क्वेश्चन। हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इनने ये लॉन्च किया था राष्ट्रीय कृषि विकास, तो इससे रिलेटेड जो इफेक्ट्स वो आपने यहाँ पढ़ने हैं। व्हेन डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इट वाज ऑन अगस्त 1998। केसीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंक्स इन अगस्त 1998। विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी? ये है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। व्हेन वर किसान कॉल सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड? दे आर एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 2004। व्हेन वाज माइक्रो इरिगेशन लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2006। नेक्स्ट, व्हेन वाज द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी एस्टेब्लिश्ड? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 2000। Which of the following is the largest fertilizer producer in India? Indian Farmer Fertilizer Corporation Limited. It is the largest fertilizer producer in India. Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited, Farmers Fertilizer Cooperative, IFFCO, was registered on November 3, 1967 as a multi-unit cooperative society. Next, which of the following is the commercial crop of India? Mustard, tobacco and jute, they are all the commercial crop of India. Which Indian state produces the largest quantities of pulses? तो इसमें सबसे ज़्यादा pulses कौन produce करता है? मध्य प्रदेश। Next, what is the correct descending order of rice producing states in India? Descending order में कौन सी हैं? West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab and Andhra Pradesh, they are in descending orders of rice producing states in India. तो इस तरह हमारी पार्ट फाइव वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट सिक्स भी हम इसका बहुत जल्दी लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।